हनुमान जी महाराज की तर्ज पर एक बंदर सामने आकर बैठ गया और रामायण पढ़ने वाले आचार्यों के पास बारी बारी से जाकर मिलते नजर आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे तो जहां कहीं भी कोई धार्मिक कथा, पूजा पाठ, ध्यान, सत्संग, भजन, कीर्तन, शिव चर्चा आदि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होती है तो खासकर बुजुर्ग और भक्ति भावना में संलिप्त जानकारों द्वारा हमेशा यह बताई जाती है कि ध्यान से सुना करें, किसी भी धार्मिक कार्यों में गहराई से ध्यान लगा लें। साथ ही साथ महापुरुषों, विद्वानों, शिक्षाविदों व कथावाचकों और जानकारों द्वारा यह भी बताया जाता है कि जहाँ कहीं भी कोई धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक कथा होती है तो निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में सुनने के लिए विराजमान होते हैं। जिसको कि हम लोग अपनी आँखों से देख नहीं पाते, हनुमान जी महाराज हमेशा सभी सत्कर्म और धार्मिक अनुष्ठानों कार्यक्रमों में अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं, लेकिन यह बात बगैर आँखों देखी और सुनी सुनाई रहती है। लेकिन गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के चंदा पंचायत अंतर्गत चंदा गांव में बजरंगबली का ध्वजारोहण स्थल स्थित मौत मंडली में जब पिछले दो दिनों से रामायण पाठ हो रही थी तो रामायण पढ़ने वाले आचार्य और सहभागियों के पास ही हनुमान जी महाराज की तर्ज पर एक बंदर सामने आकर बैठ गया और रामायण पढ़ने वाले आचार्यों के पास बारी बारी से जाकर मिलते नजर आया। कभी किसी आचार्य का गला पकड़ लेते तो कभी गोद में बैठ जाते तो कभी ध्यान लगाकर बैठकर रामायण पाठ को सुनते नजर आया। इस प्रकार इस बंदर ने लगातार 6 घंटे रामायण पाठ स्थल पर शांत स्वभाव में रहकर अपना लीला दिखाते हुए रामायण पाठ का श्रवण किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं का उस बंदर को देखते रह गए कि क्या बात है और इस बंदर में क्या खूबी है जो यह बंदर काफ़ी प्रेम से रामायण पढ़ने वाले सभी आचार्यों के पास बारी बारी से मिल रहे हैं। जैसे लगता है कि कोई व्यक्ति एक दूसरे से कभी कान में बोल रहे हो तो कभी इशारा कर रहे हो तो कभी कुछ समझा रहे हैं या कभी कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्रा में बंदर को श्रद्धालु देखते रह गए। इस प्रकार कुछ लोगों ने यह अंदाज़ा जरूर लगाया कि यह बंदर किसी न किसी रूप में हो हनुमान जी महाराज का दूत बनकर आया हो और रामायण पाठ का श्रवण कर वापस चला गया और इस दृश्य का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर ग्रुप में दो दिनों से काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है।